फिफ्टी नवंबर को संडे है तो हम ये बोल सकते हैं अगर हम है, ये मान लें कि इसी टाइम पे जो लिखा गया इसी में एग्ज़ाम अगर होगा तो फिर वो फिफ्टीन नवंबर को हो सकता है वैसे तो ये श्योरिटी नहीं है क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम जो है वो नवंबर की जगह पे दिसंबर में भी शिफ्ट हो सकता है सिर्फ ये बोला गया कि नवंबर में टेंटेटिव डेट है ठीक है तो एक चीज तो क्लियर हुई बड़ी खुशी हुई इसको देख के क्योंकि ना एक चीज तो क्लियर है हम अगस्त में नहीं होगा सेप्टेंबर में नहीं होगा हम पहले सेप्टेबर में होगा क्या सेप्टेंबर के एंड तक जा सकता है अक्टूबर में हो सकता है अब ऐसे करके ना एटलीस्ट ये है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर लिख दिया गया है तो हम ना ये ये मान सकते हैं कि नवंबर से पहले तो नहीं होने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टेटेजाइज कर लेंगे ठीक है तो अब ना एक काम करते हैं ऑब्वियस बात आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये तो आपने पहले देख लिया होगा क्योंकि कल ये ट्वीट आ चुका था और मैंने देखा बाकी जगह भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी ठीक है ओके अब मेन पॉइंट क्या है मेन है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का क्योंकि देखो जैसे ना मैं मुझे इसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है टीका डेट तो मिल गई पहले तो डेट ही नहीं मिल रही थी अब ना हो सकता है ये आपके माइंड में बातें होंगी बहुत सारी कि ना जो स्टूडेंट्स पहले प्रिपेयर करते थे जून वाले एग्जाम के लिए मतलब ट्वेंटी फर्स्ट जून एग्ज़ाम देना चाहते थे जो नहीं दे पा रहे ऑब्वियस बात है उनको ये होगा अभी कि चार महीने और मिल गए हैं तो कैसे प्रिपरेशन करनी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे ये चल रही है कि पढ़ना तो चाहते हैं ऑब्वियस बात है कि बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब ना इसको छोड़ नहीं सकते छोड़ेंगे तो लोग हमारा ही होने वाला है लास्ट में फिर वही सब कुछ हो जाएगा कुछ पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाएगा है ना लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा नहीं पढ़ने का मन करता वो होता है ना एक बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रही है नहीं पढ़ पा रहे हैं फोकस नहीं हो पा रहे और फिर ये होता है अगर हम पढ़ाई को छोड़ के कोई मूवीज देखते हैं या फिर कोई सीरीज ही नहीं बैठते हैं कुछ और काम करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है और फिर बाद में ना रियलाइज होता है कि सारा टाइम निकल गया आज का दिन भी गया इससे बेटर तो मैं पढ़ लेता है ना ये वाला दिन भी चला गया अब ना ना तो ढंग से एंजॉय कर पा रहे हैं और ना ही ढंग से बैठ के पढ़ पा रहे हैं ऐसे वाला सिचुएशन अभी चल रहा है फिलहाल तो देखो एक चीज़ तो ये मान लो कि देखो अगर आपने प्रिपरेशन करी है ना तो आपको ना उसको छोड़ना तो नहीं है क्योंकि अगर आपको भी लगा ना कि मैं एक दो महीने मजे करके आता हूँ उसके बाद वापस आ पढ़ लूंगा तो होगा ये कि जो चैप्टर आपको इस टाइम पे बहुत अच्छे से आता है जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस इस टाइम पे है कुछ टाइम के बाद वो साफ हो जाएगा और पता चला लास्ट के दो महीने बचे बचाए एग्जाम में आप वापस चैप्टर को पढ़ने बैठे हो रिविजन करने नहीं बैठे पढ़ने बैठे हो ऐसा हो सकता है आपको खुद भी पता है अगर हम कुछ टाइम तक रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को वो सब कुछ नया हो जाता है फिर तो क्या करना है आपको ना देखो ज़्यादा ना प्रेशर नहीं रहना अपने ऊपर स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको बस ट्राई करना है कि हम ना रिविजन कंटिन्यू करेंगे हम सिर्फ रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को ताकि ना वापस भूलें ना उसको बस लास्ट के एक डेढ़ महीने में सीरियस होकर वापस से पढ़ लेंगे अच्छे से ढंग का स्कैड्यूल बना के पढ़ लेंगे बट अब यहाँ ये करेंगे सिर्फ रिविजन कर लेंगे तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है थोड़ा सा आइडिया मैं अपनी साइड से आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हो आपको ठीक लगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने ना सिंसियरली प्रिपेयर किया था जून वाले एग्जाम के लिए उनको लगा था कि ट्वेंटी फर्स्ट जून एग्जाम होगा ना तो हम अच्छा करके आएंगे एग्जाम अपनी साइड से अच्छे से प्रपेयर किया हुआ है ठीक है उनके लिए पहले हम बात करते हैं जिन्होंने एक्चुअल में ट्वेंटी फर्स्ट जून को एग्जाम देने के लिए पूरे रेडी थे वो means, अगर वो एग्जाम देते इस वाली डेट को ना तो उनकी रैंक जो है वो जे आर एफ तो निकाल लेते हम रैंक की बात नहीं करते जे आर एफ तो पक्का क्वालिफाई था जिन्होंने ये सोचा था कि इस बार तो गया इस बार तो पक्का उड़ा के आएंगे उन स्टूडेंट्स को भी क्या करना है देखो आप ना बहुत अच्छी स्टेज पे थे इस टाइम पे है ना अब देखो अगर हम बात करें रैंक की तो हो सकता है आप ना टॉप फिफ्टी में आते पहले अगर एग्जाम यहां पर होता आप टॉप फिफ्टी में आते ठीक है या फिर हो सकता है फिफ्टी टू हंड्रेड में आते या फिर लेट से आप हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड में है अभी होगा ये जितना जो ये बीच का टाइम मिला है ना इससे काफी चीजें ना आगे पीछे हो सकती है कैसे जो ये टॉप फिफ्टी वाले हैं अगर ये कुछ ऐसा कर लें इस टाइम पे जिनकी वजह से ये आउट ऑफ ट्रैक हो जाए तो क्या होगा जो रैंक यहां पर थी ना हो सकता है वो यहां तक पहुंच जाए या फिर हो सकता है वो फाइव हंड्रेड ही क्रॉस कर जाए मतलब जे जा आर फिर मतलब लो सिर्फ क्वालिफाई हो पाएगा पहले आपका टारगेट अच्छी रैंक का था अब आउट ऑफ ट्रैक होने की वजह से सिर्फ पेपर क्वालिफाई कर पाए जो कि बहुत ही बुरी बात है क्योंकि जितना टाइम मिलना चाहिए था उसका डबल टाइम मिला तो रैंक तो डबल इंप्रूव होनी चाहिए थी ना फिर कि जो अगर आ रही थी फिफ्टी आ, आ रही थी तो अपनी बार तो फोर्टी थर्टी ट्वेंटी आनी चाहिए थी है ना ऐसा वाला होना चाहिए था ना लेकिन क्या होगा अगर इस टाइम कुछ भी गड़बड़ हुई ना प्रिपरेशन तो चांसेस हैं कि रैंक आगे पीछे हो जाएंगी पता चला जो पहले फाइव रैंक पे था उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से ढंग से प्लानिंग करके अच्छे से इन्जॉय भी कर लिया स्ट्रेस भी नहीं लिया प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी और पता चला फाइव हंड्रेड वाला रैंक फाइव लेकर आ गया ऐसा हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब कुछ होता है यहाँ पर इसलिए बोल रही हूं ऐसे ना प्रिपरेशन को खराब मत करो मैं आपको ना स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ जब से ही लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है कि ना इतना टाइम जो हमें मिला है ना प्रिपरेशन का इतना आपको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला इस वाले एग्जाम के लिए तो आपको क्या करना है इसमें अच्छे से अच्छी रैंक निकालनी है ठीक है ना देट मीन आपको अपनी प्रिपेरेशन में ब्रेक नहीं लगाना कि पता है हम तो महीने पढ़ेंगे नहीं हम तो अभी शुरू करते हैं जुलाई में पूरा मजे मारेंगे अगस्त से स्टार्ट करेंगे मैं ये नहीं कह रही कि चौबीस घंटे बैठकर पढ़ो बट ठीक है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है पर बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है बट ये चीज भी है क्योंकि हम एग्जाम को लेकर बैठे काफी टाइम से तो अब उसको निकाल के ही उसके बाद कर लेंगे जो करना है आप पूरे दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स हैं फाइव टू सिक्स आवर्स दे दो पढ़ाई को बाकी जो करना है करो बाकी जितने भी काम आपको करना है मूवीज देखनी है सीरीज जो करना है कर लो लेकिन से कम से कम फाइव टू सिक्स आवर्स पढ़ लो काफी रहेगा इतना ठीक है अब ना बात करते हैं स्ट्रेटेजी की तो मैं बात कर रही हूँ वैसे वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है उनको भी ऐसा है कि अगर हम एग्जाम देने गए तो नेट क्वालीफाई कर लेंगे जान क्वालिफ़ाई कर लेंगे आपको क्या करना है इस टाइम पे या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा हो सकता है हो जाए हो सकता है ना भी हो चार पाँच नंबर से रह जाएगा ऐसा कुछ है तो दे, देखो इसका मतलब ये हो गया आपने ना काफ़ी सारा सिलेबस कवर करके रखा हुआ है दैट मीन्स अब देखो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं मैं ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड करी चैप्टर्स को एक तो वो वाले चैप्टर्स हैं जो आपके फेवरेट वाले हैं जो आपको लग रहा है कि ये वाले चैप्टर आपके बेस्ट हैं इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप अच्छे से कर लोगे होता है ना कॉन्फिडेंस किसी किस चैप्टर चैप्टर पे कि ये वाला तो मेरा ही है मैं करके आऊंगा हमेशा एक तो ये वाले वाले हैं एक वो होते हैं जो कि ये लगा लो कि मतलब अभी वैसे तो बेस्ट हैं बट ना कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की नीड होती है ठीक है मैं उसको लिख रही उसमें नीड्स इंप्रूवमेंट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ तो रखे हैं आप क्वेश्चंस भी कर लेते हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आया ना तो फिर ही गया फिर आप नहीं कर पाओगे ऐसा भी हो सकता है और फिर एक लास्ट आते हैं जो अन हैं जिनको आपने हाथ ही नहीं लगाया अभी तक ओके okay. इन तीनों के बारे में बात हम कर लेंगे उससे पहले ना बताती हूँ आपको एक मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है एक मिस्टेक जो आप नहीं करेंगे देखो आप पढ़ रहे हो कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ठीक है ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है एग्जाम है दैट आपको हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना है किसी का भी हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर नहीं होता है अगर आप ये सोच लोगे ना कभी ऐसे मत सोचना कि 21st जून तक मान लो मैंने थर्टी चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे या फिर मैंने ट्वेंटी फाइव चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हुए थे अब क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं एक काम करता हूं जो बाकी के पांच सारा चैप्टर छोड़ रखे ना मैंने जो मतलब वन वन मार्क्स टू मार्क्स का थ्री फोर मार्क्स का ऐसे कुछ पेपर आता है उसमें से अगर मैंने कुछ छोड़ रखा है ना वो एक काम करता हूँ उसको बैठ के रिवाइज कर लेता हूं अगर ऐसे करने बैठे ना पता क्या होगा देखो रैंक तो आप बहुत अच्छे लाते हैं ट्वेंटी फाइव चैप्टर में अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो अब आपने सिर्फ ये सोच के कि बहुत सारा टाइम बचा हुआ तो एक काम करते हैं ऐसे वाले चैप्टर को टारगेट करते हैं जो बहुत जैसे मान लो कि मैं क्या बोलूँ चैप्टर हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइनिक इक्विलिब्रियम आइनिक इक्विलिब्रियम अब मैंने मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ना मैंने रिसेंटली एक मेल देखा है कि मैम आयनिक इक्विलिब्रियम कितना इंपॉर्टेंट है नेट के लिए आपको अगर पता होगा वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नेट में देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप इस टाइम पर सिर्फ ये सोच के कि मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है तो मैं ना ये कवर कर लेता हूँ बताओ हो, क्या होगा इससे आप ना क्या करोगे इससे बेटर पता क्या होगा इससे बेटर जो फेज इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है उसको वापस से पढ़ लो फेज से फिर भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसे वाले चैप्टर को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है तो आपको ये बोल रही हूँ सिर्फ आपने अगर मैक्सिमम सिलेबस कवर कर रखा है ना तो ऐसे वाले चैप्टर्स के पीछे मत जाओ मत जाओ कुछ नहीं होगा आपको सिर्फ ये लगेगा कि मुझे तो हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर कर जाऊंगा रैंक वन लेकर कर आऊँगा नहीं करना ऐसे नहीं आएगी रैंक वन रही तारीम ऐसे नहीं आएगी आपको ना हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर नहीं करना है अगर आपने एट्टी टू एटी फाइव परसेंट सिलेबस बहुत अच्छे से कर रखा है आएगी रैंक अब आएगी रैंक वन या बहुत अच्छी रैंक आएगी समझ रहे हो आपको ना कमी पढ़ना है चीज और सुनो ध्यान से हो सकता है आपको लगे कि मैं वाई कुछ भी में बातें कर रही हूं बट स्टिल आप ना किसी से बात करके देखना जो भी कैंडिडेट्स टॉप तो फिफ्टी में होते हैं उन्होंने ना बाकी सबके कंपैरिजन में कम पढ़ रखा होता है बट अच्छे से पढ़ रखा होता है और कई बार ऐसे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ रखे उन्होंने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं जितना भी सिलेबस सब कुछ पढ़ रखा है जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है टू मार्क्स सब कुछ आता है सब कुछ पढ़ रखा है उन्होंने बट स्टिल वो पेपर में स्कोर नहीं कर पाए रीजन क्या है क्योंकि पढ़ तो सब कुछ लिया है बट अच्छे से शायद एक भी चैप्टर नहीं आता ठीक है मैं समझाना चाह रही हूं आपको कि आपको जितना पढ़ा था ना पहले हाँ ये हो सकता है कि आपने सोच रखा सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल का रखें ऑर्गेनिक हाँ पढ़ो ऑर्गेनिक पढ़ो वो पढ़नी है मैं ये बोल रही हूँ जो आपने सोचा ना चार पांच चैप्टर जो छोड़ रखे हैं उनके पीछे नहीं जाना है आपको ठीक है ना जितना पढ़ रखा है मैक्सिमम एटी परसेंट सिलेबस बहुत होता है बहुत अच्छी रैंक के लिए इतना ही मैक्सिमम है हर कोई इतना ही पढ़ पाता है ठीक है तो आपको बार बार रिवीजन पे ध्यान देना है ऐसे नहीं कि भाई अब तो मैं हंड्रेड परसेंट करके जाऊंगा कुछ हो जाए चाहे उससे कुछ नहीं होगा आपके सारे चैप्टर जो ये बेस्ट वाले ना पता चला ये अंडर इंप्रूवमेंट चले गए आपको इनको भी टाइम देना पड़ रहा है वो बहुत बेकार हो जाएगा काम इससे बेटर है अगर दस पढ़ रखे ना तो दस तो चलो उससे काम नहीं चलने वाला है पढ़ने आपको सारे बट मैं बोल रही हूँ कि एटी परसेंट सेवेंटी फाइव एटी बहुत अच्छा होता है ये इतनी परसेंटेज बहुत अच्छी होती है आपको हंड्रेड के नहीं भागना है ठीक है आते हैं वापस यहाँ पर एक काम करते हैं अपनी तरफ से कोई एक्जाम्पल लेती हूँ जैसे मान लो मुझे ये लगता है कि कोऑर्डिनेशन ना मेरे को बहुत अच्छे से आता है ये वाली लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है आपकी लिस्ट खुद की होनी चाहिए क्योंकि ना हमें पता होता है कि हमें कौन सा चैप्टर कितने अच्छे से आता है आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है अपनी लिस्ट खुद से बनाना और ये हो सकता है फिर मैं ये बोलूँ कि मुझे ना कॉर्डिनेशन बहुत अच्छे से आता है और जो कानेटिक्स है ना मैं कानेटिक्स से सारे क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंटली कर लेती हूँ तो कानेटिक्स तो मेरा बेस्ट हो गया ठीक है ऐसा मान लो ऐसा कोई एस्पिरेंट हो सकता है और यानिक में अगर हम देखें तो हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी

मैं ना कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले सिर्फ वही कर पाता हूँ अगर ऐसा कोई नया क्वेश्चन देता ना मुझे तो मैं नहीं कर पाता अगर ऐसा केस है उसको हम क्या बोलेंगे उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ठीक है आपको ये लगता है कि जितना लिखा होता है ना मेरे पास सामने नोट्स में मैं सिर्फ उतना ही अप्लाई कर पाता हूँ मैं बाकी अपना दिमाग नहीं लगा पाता इस पर ठीक है आप हो सकता है आपको कि ना मुझे कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे से आते हैं बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से जब भी क्वेश्चन आएगा मैं फर्स्ट आती हूँ वहां पे ठीक है तो ऐसा हो सकता है ना कभी कभी लगता है हमें कि वाला चैप्टर मैंने पढ़ तो रखा है मैंने प्रीवियस भी लगा रखे हैं बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं है तो मतलब क्या है उसको इंप्रूवमेंट की नीड है अभी और हो सकता है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगता हो कि आपका सारे फॉर्मूले याद हैं उसके बट स्टिल फिर भी ना क्वेश्चन में वो कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आ रही है तो इनको हमने डाल दिया इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में और एक मान लेते हैं कि रिएजेंट्स हो सकता है कि आपने ना रियजेंट्स जो है वो पढ़ तो रखे हैं बट आप भूल जाते हो लेकिन आप विद भूल जाते हो रिएजेंट्स को मतलब उसको वापस से पढ़ने की नीड है ओके okay. अब चलते हैं लास्ट पे जिनको हाथ ही नहीं लगा रखा मान लेते हैं कि आपने जब आप पढ़ रहे थे 21. के लिए न, आपने थर्मोडिक्स को छोड़ दिया था कि थर्मो आप नहीं पढ़ के जाओगे ठीक है किसी भी रीजन की वजह से आपने थर्मो को छोड़ रखा था कि मैं ये नहीं पढ़ के जाने वाला हूँ उसके बाद और क्या हो सकता है एफ ब्लॉक मान लो एफ ब्लॉक आपने छोड़ दिया था कि आप एफ ब्लॉक नहीं पढ़ोगे और क्या हो सकता है मान लेते हैं कि आपने पैरी साइकिल ही छोड़ा हुआ था या फिर रेड से तो तो ठीक है हमने ना ये तीन तीन चैप्टर्स के भी लिस्ट बनाई है मान लो कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रखा है कि कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे पक्का होंगे जो आप इस लिस्ट में डाल सकते हो है ना अब क्या करना है देखो अब ना आपको ये पता है और ना ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद से ये जज नहीं कर पा रहे कि मुझे कौन सा चैप्टर आता है कौन सा नहीं आता फिर तो प्रॉब्लम है फिर तो पक्की प्रॉब्लम है एटलीस्ट इतने पार्ट्स में तो डिवाइड आपको करना आना चाहिए कि ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे से मस्त आता है एकदम अच्छे से इसके ना कर तो लेता हूँ क्वेश्चन पर ढंग से नहीं हो पाते हैं चलो इसको डालो इस वाली कैटेगरी में एक ये पढ़ नहीं रखे ठीक है ओके अब क्या करेंगे मैंने आपको बोला है कि मिनिमम ना हम सिक्स आवर्स तो पढ़ ही सकते हैं मिनिमम सिक्स आवर्स पढ़ सकते हैं ठीक है अब सिक्स आवर्स को डिवाइड कैसे करेंगे एक चीज़ देखो अगर आपको लगता है कि ये वाले चैप्टर्स आपके बेस्ट है ना तो इनको बेस्ट ही बना के रहना लास्ट तक ऐसा ना हो इनको छोड़ के यहां चले गए कि जो हमने नहीं पढ़ रखा हम वो पढ़ेंगे अब तो वही पढ़ेंगे इनको बाल में देख लेंगे पता चला जब तो ये कवर करके आए ना ये वाले गायब होने शुरू हो गए अभी ये तो यहां पहुंच गए मतलब ये काइंड kind ऑफ of, बिल्कुल खत्म ही हो गए और ये भी आपके यहां तक पहुंच गए फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए इनकी रिविजन आपको करके रखनी है इनकी आपको रिविजन करनी है और कॉन्टिन्यूस रिविजन करनी है ठीक है तो अभी ये बेस्ट है ये लास्ट में बेस्ट ही रहने चाहिए इनको आपको डालना रिविजन में और डेली के ना टू आवर्स निकाल दो टू आवर्स आप अपने बेस्ट चैप्टर्स के रिविजन करोगे ये आपका रिविजन वाला टाइम होगा कि डेली ना मुझे दो घंटे निकालने हैं और रिविजन करनी है अब ऐसे नहीं बोले कि टू आवर्स से निकालोगे देखो अब ना टू आवर्स का मतलब ये नहीं कि हर कोई दो घंटे पढेगा कभी कभी ऐसा होता है मालूम अपनी बात करती हूँ मालूम मैं लेके बैठ गई हूँ ठीक है अब ना मेरा मन तो कर नहीं रहा पढ़ने का मैं दो घंटे तक मैंने लगा दिया टाइमर है कि दो घंटे तक मुझे पढ़ना है अब मैं ऐसे पलट रही हूँ पेजेज़ आराम आराम से पता चला दो घंटे में सिर्फ पाँच पेजेस पलटे हैं फिर कहे का बेस्ट चैप्टर है वो अगर आप दो घंटे में सिर्फ पाँच ही पेज पलट पाए हो अपने नोट्स के तो दैट मीन्स अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर ये चैप्टर में गड़बड़ हो रखी है आपने नहीं पढ़ा हुआ भूल गए उसको है ना तो दो घंटे का मतलब ये नहीं है दो घंटे का मतलब ढंग का आउटपुट निकालो कम से कम अगर पढ़ने बैठे नोट्स को ना तो ये मान लो कि दो दिन के अंदर इसको रिवाइज कर दोगे तो ये कॉर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है मान लो तीन दिन में डिवाइड कर लो कि मुझे तीन दिन में अपने सारे नोट्स रिवाइज कर देने कॉर्डिनेशन के फोर्थ डे में क्वेश्चन देख लूंगा फोर्थ और तो फिफ्थ ऐसे करके अगर आप वन वीक में भी कंप्लीट करते हो उसके रिविजन को तो भी क्या प्रॉब्लम है बहुत टाइम आपके पास आज कितना आज डेट कितनी है फिफ्टीन जुलाई आज 15 जुलाई है एग्जाम मान लेते हैं 15 नवंबर को है तो बहुत टाइम है अभी अगर आप वन वीक में रिवीजन कंप्लीट करते हो कोऑर्डिनेशन तो क्या प्रॉब्लम है अच्छा है बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर ये वैसे भी है ना ऐसे करके आप रिविजन करेंगे इन ओके ठीक है ना तो कुछ टाइम आप जितना भी दे पाओ आपको रिविजन को पक्का देना है आपको इनको लास्ट तक बेस्ट ही रखना है अब आते हैं यहाँ पर अब क्योंकि ये वाले चैप्टर आप पढ़ चुके कॉन्फिडेंस की कमी है दैट इनको ना कुछ टाइम मेहनत करके इनके ऊपर इनको हम इस वाली कैटेगरी में शिफ्ट करवा सकते हैं और अगर आप ऐसे करवा गए ना ट्रस्ट मी अगर आपकी रैंक 500 थी ना तो 500 से भी मान लो 100 तक पहुंच जाएगी रैंक आराम से 150 तक पहुंच जाएगी सही वाली बात है एकदम ये इनको सिर्फ आपको यहां शिफ्ट करना है कुछ भी करके इसको बेस्ट वाली कैटेगरी में ले आओ हंड्रेड क्या फिफ्टी तक पहुंच जाएगी सही बता रही हूँ ठीक है तो ध्यान रखना है आपको इनको भी टाइम देना है कितना टाइम देंगे इसको अगर आप अपने बेस्ट चैप्टर्स को टू आवर्स दे रहे हो इसको टू दे दो क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए ना इसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके निकाल दो ठीक है अब आते हैं यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर इनको तो हाथ ही नहीं लगा रखा तो ऑब्वियस है कि अगर आप दिन में पढ़ने बैठोगे ना तो चांसेस क्या है कि आप ये तो आराम से पढ़ लोगे ये भी पढ़ लोगे जब तक यहाँ तक आए फिर सोचोगे कि बहुत टाइम है एग्जाम में ऑब्वियस बात है जब मिलना नहीं मन करता पढ़ने का कैसे करेंगे इस टाइम में जाके ना चाहे इनको कम पढ़ लो बट आपको पढ़ना है ऐसे कुछ कर लो कि आपके पास ना फोर मंथ्स हैं और फोर मंथ्स में मान लो आपके पास है इस लिस्ट में लट से सिक्स टू तो सेवन चैप्टर्स हैं ठीक है तो ये मान लो कि कितना भी स्लो चलने के बाद ना आपको कम से कम एक जी आपको दस दिन में तो कम्प्लीट कर ही देना है अभी बात बताओ हिट्रोसाइली में दस दिन बहुत ज्यादा टाइम दे दिया वैसे तो टेन डेज बहुत ज्यादा टाइम है ये तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर पढ़ने का मन नहीं भी करे डेली टू टू आवर्स पढ़ोगे तो भी ना आराम से दस दिन में चैप्टर पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगा ठीक है उसको बाद में पढ़ते रहें तो ऐसे करके मैं बोल रही हूँ जितना आपके पास टाइम है या सिक्स टू सेवन आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है दिन का अब प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो इतना तो देना ही पड़ेगा है ना इतना टाइम दे लो इनको सिर्फ ये कर लो कि यहाँ तक पहुँचा दो यहाँ आपने पढ़ लिया चाहे कॉन्फिडेंस ना आए बट यहाँ तक पहुँचा दो इनको रैंक और ज़्यादा इंप्रूव करेगी मैं तो रैंक इंप्रूव करने की बात कर रही हूँ ठीक है और जिनको लग रहा है कि सिर्फ नेट ही हो पाएगा वो जे हो चुका है उनका जैसे आपके वाले चैप्टर से ज्यादा पहुँचे ना नेट वाले जे आर कर चुके हैं बहुत ऑब्वियसली बात है और आराम से होगा इसमें आप खुद सोच के देखो जिन चैप्टर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपने कुछ टाइम मेहनत करके उनको यहां से यहां दिया तो नेट से एफ तक क्यों नहीं पहुंच जाओगे ठीक है अब एफ तक पहुंच गए तो सिर्फ क्वालिफा था एक नंबर से इसको थोड़ा सा कुछ मेहनत करके यहां तक पहुंचा दो वो जे की अच्छी रैंक बन जाएगी ऐसे कुछ करके ना अपने सारे चैप्टर्स को प्लान कर लो दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स हैं और मैं आपको सिर्फ सिक्स टू सेवन आवर्स पढ़ने को बोल रही हूँ फाइव टू सिक्स पढ़ लो नहीं पढ़ पाए तो पता नहीं फाइव टू सिक्स पढ़ लो ये भी बहुत है ये बेटर है ऐसा करने से कि हम पूरे दिन बुक्स तो लेके बैठे लेकिन मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का ना तो हम कुछ देख पा रहे हैं मूवीज सीरीज ना तुम तो देख पा रहे हैं ना कहीं बाहर बाहर तो वैसे नहीं जाना लॉकडाउन चल रहा है है ना तो मतलब ध्यान रखना बात ये है कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना कि बैठे हुए हो लास्ट में पूरा दिन वेस्ट करने के बाद क्योंकि देखो आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो आप कुछ और भी नहीं कर पा रहे तो वो वेस्ट ही हो गया एक तरह से है ना तो क्या है सर आपको फाइव टू सिक्स सिक्स टू सेवन आवर्स देने हैं अपनी प्रिपरेशन के लेवल के अकॉर्डिंग आपको देना है उतना टाइम बाकी आपको जो करना है करो मूवीज देखते हैं जो करना कहीं कुछ कुछ बातें करने है कर, जो टाइम स्पेंड करना है वैसे करो लेकिन बस वे बात है कि आपको रिविजन को कंटिन्यू करना है ठीक है ओके okay. तो एक तो थी ये वाली लिस्ट अब ना दूसरी लिस्ट आती है जिसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने सिर्फ दो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखे हैं सिर्फ दो प्रिपेयर कर रखे हैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने जून वाले एग्जाम के लिए सिर्फ इन दोनों को प्रिपेयर करके रखा है अभी तक और एक कोई इसने कर रखा है इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल और लास्ट में एक कोई है जो कि बहुत रेयर मिलेंगे जिन्होंने फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक कर रखा है मैंने आपको बहुत बार बोलती हूँ कि पहले वाला टाइम कुछ और था पहले का मतलब क्या है मैं बहुत पुराने वाली बात नहीं करी टू थाउजेंड से लेके ना 2013 14 तक अगर आप देखोगे 14 तक में मान लो 15 तक मान लो इस टाइम पे क्या होता था नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते थे चॉइसेस ज्यादा होती थी क्या था अगर आप दो पढ़ के गए ना पेपर निकल जाएगा उस टाइम पर कोऑर्डिनेशन की वेटेज बहुत ज्यादा होती थी अब नहीं है अब चैप्टर्स की वेटेज ना कम कम हो गई अब क्या हो रहा है बेसिकली आपने देखा होगा एग्जाम्स पर जो आया था 19 वाला उसमें क्या था बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया गया था वेटेज ए चार्टर की बहुत ज्यादा नहीं थी बट ये था कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया गया दैट मीन्स आपको तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपने ऐसे करा होगा कि आपने इनऑर्गेनिक पढ़ रखी है ऑर्गेनिक पढ़ रखी है मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था ऑर्गेनिक को पता है क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ना बेवफा होती है ऑर्गेनिक का एक्चुअली कोई गारंटी नहीं होती कि मार्क्स आएंगे आएंगे

आपको ना खुद भी डाउट है इस बात पे कि दो से काम नहीं चलेगा तभी आप पूछ रहे हो कि कोई मुझे बोल दे कि हाँ चल जाएगा कुछ टाइम तक मैं शांति से बैठ के काम चल जाएगा मेरा आपको भी पता है दो से नहीं होगा मैं फिर से बोल रही हूँ दो से नहीं होगा ट्राई करो अच्छा गाइस एक और चीज़ मैंने ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी पूरा एनालिसिस किया था कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो चेक कर लेना अगर आपने आप इस वाली कैटेगरी में आते तो इन तीनों में से कोई भी कि आपने कोई दो चीज़ें पढ़ रखी हैं उसको एक बार चेक करना आपको काफी सारी चीज़ें क्लियर होंगी ठीक है ओके okay. तो अगर आप इस वाली कैटेगरी में हो दैट मीन्स आपके पास तो जो अनटच्ड वाला पोर्शन था ना वो तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पढ़ाई शुरू कर दो जल्दी से पढ़ना शुरू करो मान लो आप फिजिकल बची हुई है ठीक है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी फिजिकल करके जानी है आपको पूरी फिजिकल नहीं करके जानी ऑब्वियस बात है अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ के जा रहे हो ये पढ़ दैट मीन्स फिजिकल से बहुत डर लगता होगा तभी उसको छोड़ रखा है, है ना तो सब कुछ मन पढ़ के जाओ बट कम से कम इसके सिक्स टू सेवन चैप्टर्स तो प्रिपेयर कर लो सिक्स टू सेवन चैप्टर्स दैट मीन्स आपके ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स कम से कम यहाँ से आए इससे होगा ये कि कम से कम नेट जो आप सोच रहे थे कि नेट यहाँ से हो जाएगा तो कम से कम जे तक पहुँच जाओगे तो कम से कम सिक्स टू सेवन चैप्टर्स उस वाले सब्जेक्ट के जो आपने छोड़ रखा था अब ना देखो फिजिकल में अगर मैं आपको बात करूं कि फिजिकल में कौन सा पढ़ना है हो सकता है आपको ये लगता हो कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है मैं तो बायो बैकग्राउंड बैकग्राउंडस हो तो मुझसे मैस हूँ ही नहीं है ना एक काम करो जो बड़े चैप्टर्स हैं दैट मीन्स जो जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन वो होती है इंक्लूडिड होती है इन्वॉल्व होती है बहुत सारी कैलकुलेशन जैसे मान लो क्वांटम क्वांटम का नाम सुन के डर सुनकर डरा कि अब तो नहीं होगा ठीक है मान लो नहीं माना क्वांटम छोड़ दो इसको बहुत सारे चैप्टर्स तो और भी हैं जिनको करना चाहिए कैनेटिक्स पढ़ लो कानेटिक्स हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा था बी एस सी में भी हम पढ़ते हैं एमएससी में भी पढ़ते हैं तो कानेटिक्स पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है कैनेटिक्स ट्राई करो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ लो इलेक्ट्रो पढ़ लो ग्रुप थेरी पढ़ लो सरफेस पॉलीमर जैसे चैप्टर एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला होता है इनसे फोर मार्क्स में आता है वो भी जनरली पूछते हैं सरफेस और पॉलीमर से तो सरफेस आप पढ़ सकते हो है ना सर्फेस पढ़ना सही है पॉलीमर से क्वेश्चन टू मार्क्स में कभी नहीं मिल जाता कैसे फोर में मिल जाता तो है तो सर्फेस पॉलीमर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बर्स्टरीज से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करके ना स्ट्रेटेजाज करो खुद की प्रिप्रेश को ऐसे नहीं पूरा सब्जेक्ट लीव करके नहीं जाते हैं आपको सब्जेक्ट पढ़ के जाना है ठीक है ना तो जो भी छोड़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है मैंने पहले भी बताया था वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से देख लेना अभी सिर्फ इतना ही है कि जिसने दो पढ़ रखे ना थर्ड वाले को पढ़ना शुरू करो जल्दी से और इनकी रिविजन साथ साथ करना आपने पहले वाली कैटेगरी में खुद से देख लेना कि कौन सा आपका बेस्ट है कौन से आप थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की नीड है और अनटस्ट में आपका पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आपको कवर करना ही है ये ठीक है इसको कवर करने का ट्राई करो बहुत टाइम मिला है अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे फिर क्या होगा देखो वर्स्ट केस क्या होगा आपने ये पढ़ रखा है ठीक है नवंबर में एग्जाम हो गया आप देखे आ गए रिजल्ट आए दिसंबर जनवरी के टाइम पे आपको दिखा कि नहीं हुआ एग्जाम क्लियर क्या होगा डिमोटिवेशन मन नहीं करेगा पढ़ने द्वारा प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे वहाँ बताओ क्या आप चाहोगे कि आप नवंबर के बाद वापस से चार पाँच महीने इसको तो प्रिपरेशन को नहीं दोगे ना नहीं चाहते ना ऐसे करना तो क्या सबसे अच्छी बात क्या होगी सबसे अच्छी बात ये होगी कि अभी चार महीने मिले इसको निपटा लो एक तो चार महीने के बाद वापस से फोर टू तो फाइव मंथ्स देना प्रिपरेशन को और एक अभी पढ़ना अभी पढ़ना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना इसको निपटा लो अभी अभी टाइम है निपट जाएगा ठीक है ओके तो ये तो काफ़ी हो गया अब आएंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि आपकी सारी बातें सही हैं हमने ना डिवाइड भी कर लिया बट स्टिल हमारा मन नहीं लगता है, है ना? तो अगर अभी खुद से नहीं हो रहा दैट मीन्स कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा तो एक वे आउट ये है कि आप ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अब इससे क्या होगा इससे होगा ये मैं ये नहीं बोल रही कि आपको जे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो आपको बेस्ट लगता है वहां की ज्वाइन करो ठीक है लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है मतलब मेन पॉइंट क्या है इसका इसका मेन मोटिव क्या है ज्वाइन करने का वो ये है अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं टाइम दे पा रहे हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा टेस्ट सीरीज में होता है चैप्टर वाइज टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट ठीक है अब इनसे क्या होगा इनसे होगा ये मान लो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ थर्टी फाइव टेस्ट है मान लो कि इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो थर्टी फाइव हैं ठीक है अब ना आप ये कर सकते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली फर्स्ट आपका एक टेस्ट है आपने वो टेस्ट दिया उसके बाद दो दिन का गैप लेके फिर से एक टेस्ट या फिर से क्या होगा आपके ना सारे चैप्टरपेयर हो जाएंगे आपको आपके माइंड को ऐसा थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि मुझे परसों टेस्ट देना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा तो ये हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रेटेजाइज हो जाएगी कि मुझे इतने टाइम इतना चैप्टर प्रिपेयर करना है और आपको फिर टेस्ट भी देना है तो एनालाइज भी हो जाएगा तो अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो सब कुछ तो आपको फिर यही करना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसके अकॉर्डिंग चलते रहो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे लो आपको पता चलेगा कि मुझे आज मैंने पढ़ लिया मुझे दो दिन बाद टेस्ट है तो और पढ़ने का मन करेगा कि फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ना कैसा होगी थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो पढ़ लेंगे ऐसा भी हो सकता है तो फिलहाल के लिए मुझे ये लगता है हाँ एक और लास्ट कैटेगरी बची कौन सी जो स्टूडेंट्स डिसम्बर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं है ना तो आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है एक मैंने बनाई थी वो आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आपको वही फॉलो करनी है तो आपके लिए कोई बहाने नहीं चलेंगे मैंने ये वीडियो बनाई थी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्या करा जिन्होंने जून के लिए पढ़ना था जिन्होंने के लिए पढ़ा है जो जून का एग्जाम देना चाहते हैं जून में देना चाहते थे उनके लिए वीडियो थी आपको तो अभी छः महीने पढ़ना ही है सीरियस होकर तो अच्छे से पढ़ाई करो जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है मैंने अलग से चैप्टर्स को पूरा डिवाइड किया था अच्छे से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा वो चेक कर लेना फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है हाँ एक चीज़ है स्ट्रेस मत लो ठीक है स्ट्रेस नहीं लेना है दिन में फाइव टू सिक्स आवर्स पढ़ के सिक्स टू सेवन आवर्स पढ़ के भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है और हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करने के पीछे मत मांगो कोई फायदा नहीं होगा एटी परसेंट करो बहुत अच्छे से करो

ये ना सब पे अपलिकेबल मान लो हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं ठीक है अपने बुक पढ़ना स्टार्ट करा मैंने खुद भी बोला था कि केल कपूर ने बहुत अच्छा दिया हुआ है मान लो आपने ना केल कपूर वाली जो बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की मिस्ट्री के उसे पढ़ना स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट अब ना होगा क्या केल कपूर वाली बुक में ना सबसे पहले तो जो हमारे पास जो क्रिस्टल क्रिसटेल होती है उनको ना सिमिट्री वाले मेथड से समझाया गया है बहुत सारा लिखा हुआ है सिमिट्री मेथड से समझाया ठीक है और ऐसे जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होता है बहुत सारा एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में और उसके बाद एक रेडियस रेशियो रूल जो है बहुत सारा एक्सप्लेन कर रखा है अगर आपने बुक से पढ़ना स्टार्ट करा और आप लगे हुए हो रेडियस स्टेशन रूल पढ़ने में सिमिट्री मेथड पढ़ने में आपको लग रहा है कि हम तो भाई, भाई बहुत मतलब नॉलेज तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई आपको लग रहा है बहुत अच्छा ही पढ़ लिया कुछ है ना ऐसा लग रहा होगा कि चलो ठीक है पता क्या होगा सॉलिड स्टेट नेट की अगर हम बात करें नेटवर्क गेट की अगर हम बात करते हैं फिर जैम की अगर हम बात करते हैं तो काफी कम पोर्शन से क्वेश्चन पूछते हैं बार बार वहीं से रिपीट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आप स्ट्रिक्टली एग्जाम बेस्ड मतलब बनाओगे ना अपने नोट्स हो सकता है आपके थर्टी पेजेस में खत्म हो जाए नोट्स ठीक है अब आपने डिफ्रैक्शन मैथड सिमिट्री मैथड और साथ में रेडियस रे रूल कर कर आके ना उसको सिक्सटी सेवेंटी पेजेस बना दिए उसके नोट्स के ठीक है अब जब ये लिखे हैं तो इनको पढ़ना भी पड़ेगा तो जहां पर एक स्टूडेंट जिसने तीस पेजेस के नोट्स बनाए अच्छे से पढ़ के सारे क्वेश्चन निपटा दिए वो गया एग्जाम देने एक आप गए हो पता चला डेंसिटी वाला जो फॉर्मला इतना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले से अब वो तो भूल गए आपको रेडियस रूल याद है एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डेंसिटी का नहीं हो रहा भूल गए फॉर्मला क्या करेंगे फंस गए ना वहाँ पे क्यों किसने कहा था एक्स्ट्रा पढ़ने को नहीं कहा था ना तो इसलिए बोलती हूँ ध्यान रखा करो कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है तो ध्यान रखो कि कौन सा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स में बहुत सारा लिखा हुआ है आप ना कितना छोटे से छोटा चैप्टर उठा लो कितना बड़े चैप्टर बड़ उठा लो किसी भी चैप्टर को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा सॉलिड स्टेट का वो कोई पढ़ाने पे आए ना तो कम से कम एक महीने तक सॉलिड स्टेट पढ़ा सकता है वो खत्म नहीं होगा लेकिन जब से क्वेश्चन कितने टू फोर मार्क्स टू मार्क्स फोर मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं उससे और टॉपिक हमेशा कुछ रैंडम मतलब जो अपने पास जो फिक्स है ना टॉपिक्स वहीं से पूछते हैं बार बार तो इसलिए मैं आप आपको बोल लूँ कि ऐसे वाले टॉपिक्स को टारगेट करो जो बार बार पूछे जाते हैं जिससे आपका टाइम भी सेव हो आप ऑन ट्रैक भी रहो कि एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हो ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ ही पढ़ दिया और लास्ट में ऐसा हो गया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है कुछ समझ ही नहीं आ रहा जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम भी होती है कि हमने पढ़ तो लिया है अब कौन सा अच्छे से पढ़ना है किसको कम पढ़ना है किसको ज़्यादा पढ़ना है उन चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी जैसा तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको देखो पहले कि यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है किस चीज़ को पढ़ रहे हो पता चला आपने एक टॉपिक को लेकर तीन चार दिन वेस्ट कर दिए तो ना फिर वो टाइम वेस्ट हो रहा है तो ध्यान रखो जो भी पढ़ रहे हो क्या वो एग्जामिनेशन में पूछते भी है नहीं पूछते तो ऐसे ना कुछ भी आंखें बंद करके मत पढ़ो ठीक है ना सिर्फ इतना ही था और बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ट्राई करो जितना टाइम मिला उसको ना सिर्फ ऐसे सोचो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है थोड़ा सा अच्छे से खुद को इम्प्रूव करना है जो मान लो आपका इस बार क्लियर नहीं होता आप फिर से पढ़ते अगली बार ऑब्वियस बात है देखो बुरा लगेगा सुनने में बट मतलब तो ओब्वियसली बात है जितने भी एग्जाम देंगे स्टूडेंट्स मान लो सिक्सटी सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम सब तो निकाल नहीं पाएंगे ना भाई हंड्रेड्रेड हंड्रेड थाउजेंड के अराउंड निकाल पाएंगे पेपर दैट मींस बाकी सबको तो नहीं निकलेगा अगर आप वापस निकालने जाओगे तो क्या होगा नेक्स्ट के सिक्स मंथ फिर से कवर करोगे ऐसे समझो आपको वही टाइम अभी मिला है तो जो गलतियां करनी इस टाइम पे करके ना सीख लो उनको ऐसे ना कुछ भी चीज़ को ऐसे ना मैसे मत करो कि हम पढ़ भी रहे हैं और फिर एग्जाम नहीं, नहीं निकाल नहीं निकाल पा रहे एक चीज़ का और ध्यान रखो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखो मैंने ये बनाया अपना पूरा जोश आ गया कि अब तो ना अभी बनाएंगे लिस्ट तीनों में मतलब उसको डिवाइड कर देंगे और अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे आई नो सबको आएगा कुछ कर भी जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे बट स्टिल ये है क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला है तो चांस है कि पेपर देखो एग्जामिनर को भी पता होता है कि जिस एग्जाम को बनाने में छः महीने का टाइम था बच्चों के पास पढ़ने के लिए अभी ऑलमोस्ट डबल टाइम मिला है दैट मीन्स ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर भी करा होगा ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर भी करा होगा तो अगर करा है तो क्वेश्चन भी फिर अच्छे आएंगे है ना तो क्या है आपको अच्छे से पढ़ना है कॉम्पिटिशन में बढ़ेगा देखो ऑब्वियस बात है टाइम एक्स्ट्रा मिला तो सब पढ़ेंगे भी सही उसके लिए और अगर पढ़ेंगे तो पेपर भी ढंगा ही लेवल का आएगा दैट मीन्स आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है ठीक है एक और चीज़ कभी कभी ना टेंशन हो जाती है कि कभी कुछ ऐसा पूछ जो कभी पूछा ही नहीं गया अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर देख के जाएंगे मतलब देखो प्रीवियस ईयर देखने वाले नहीं आपको सिर्फ वही वही आता है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए उस कॉन्सेप्ट पे बीस जो भी क्वेश्चन आएगा आपको करना चाहिए बस इतनी सी बात होती है अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जैसे कौन सा पेपर था जून नाइनटीन वाला जो पेपर था है ना उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए गए थे जो कभी भी पहले नहीं पूछे कि जो वापस से रिपीट भी होने के चांसेस बहुत ही कम है तो ऐसे वाले क्वेश्चन से डरने की कोई नीड ही नहीं होती है अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके कंपिटेटिव ने भी नहीं पढ़ा जो भी आप एग्जाम आपके जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ बैठ के दे रहे एग्जाम वो भी नहीं पढ़ के आए तो ऐसे क्वेश्चन को तो हर कोई देख के छोड़ता ही है तो ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं डरना चाहिए अगर कोई नया क्वेश्चन आया ना किसी नए टॉपिक से दैट मीन्स टेंशन वाली बात नहीं वो हर कोई छोड़ के जाएगा प्रॉब्लम किस में प्रॉब्लम इन चैप्टर्स में जो आप पढ़ के जो हर कोई पढ़ के आया है जैसे एग्जाम्पल देखा वो डेंसिटी वाला नेक्स्ट का सिंपल सा फॉर्मुला है हर कोई करके आएगा उसको अगर आप वो वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए तब जाके जाकर रहे हो अदरवाइज नया क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं कोई नहीं करेगा उसको ठीक है तो इनसे नहीं डरना है बट ये कि जो हमने पढ़ा है ना जो टॉपिक आप पढ़ पढ़े जो कॉन्सर्ट आपको आता है अच्छे से हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए बस वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ठीक है उसमें आपको उस पर आपको चेक करने बार बार रिविजन करो रिविजन करते रहो बस रिविजन वाली बात है इतना सा काम करना है तो फिलहाल के सिर्फ इतना ही आई होप स्ट्रेटेजी तो आपको मिल गई होगी कि हाँ हमें पढ़ना तो है एग्जाम की डेट भी अभी आ गई है तो बस एक काम करो टेंशन नहीं लेनी बस टेंशन को थोड़ा सा अवॉइड करो और रिविजन कर दे रो रिवाइज करोगे मैं आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो आता है चैप्टर है ना तो वो डीमोटिवेशन नहीं आएगी तो रिविजन बचा सकते हैं इस टाइम पर डिप्रेशन में ना जाने से तो रिविजन आपको अच्छे से करनी है फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही हैप्पी लर्निंग